अभय जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब इस इन सब से ये एक नया जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो ये कि उपचुनाव जिसकी तैयारी की जा रही थी, क्या ये फैसला उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? और वो बहस जो हो रही थी बीते दिनों कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, वो बहस थम गई है क्या इस फैसले के बाद? अभय जी श्री जी, मैं आपके इस आकलन से तो सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो कदम उठाया है इससे पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ एक पेशबंदी हो रही थी पूरी तरह आला कमान की तरफ से उनको हटाने के लिए जो फील्डिंग सेट की जा रही थी उसको थोड़ा धक्का लगा और उन्होंने एक बार फिर से अपना सिक्का जमाने की कोशिश की है, अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। लेकिन पार्टी के अंदर के संघर्ष में उन्हें थोड़ी राहत इससे प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अचानक जो वोटर उनको लोग चले गए थे, सब कूद के फिर से इधर पाले में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेंगे, वो तमाम ओबीसी जमातें, वो दलित समुदाय वाले लोग जो भाजपा को छोड़ गए थे वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। इस आकलन पे मुझे शक है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसलिए वोट देती है कि वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान में फर्क किया जाए। पब्लिक कहती है अच्छी गवर्नेंस दीजिए, हमारा वोट लीजिए। सीधा सौदा है, वोटरों का सौदा सीधा है और यही 2024 के चुनाव का संदेश है। बढ़िया सुशासन दीजिए और हमारा वोट लीजिए। आप सुशासन का क्या मतलब है? सुशासन का मतलब है सड़कें बनवाइए, बिजली लगातार आनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई, कानून व्यवस्था, ये सब। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सारे काम किए होंगे तो उन्हें वोट मिलेगा। चूंकि उन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे 2017 के बाद से, इसलिए देखिए लोकसभा के चुनाव में उनके वोट कम हो गए। बहुत सी चीजों का प्रभाव शुरुआती पड़ जाता है, बहुत सी चीजों का राजनीतिक प्रभाव, संचित प्रभाव देर में नजर आता है। मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जिस तरह का शासन चलाया, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो है उस शासन उसका कारण उनके चेहरे पे इबारत की तरह लिखा हुआ है। असली समस्या ये है। ठीक है सर, आपने पार्टी के अंदर का झगड़ा तो पार्टी के अंदर झगड़े पे कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का एक फैसला जिस पर चर्चा हो रही है, उसका विरोध भी, उसका समर्थन भी, लेकिन बावजूद इसके उसका दायरा बढ़ रहा है और अब तो और जगहों पर भी इसे लागू करने की मांग की जा रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय आलोक जी आपके पास आती हूँ। देखिए विरोधी तो चलिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे चुनाव हो, पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म करनी हो या फिर कोई और बात, हिंदू मुस्लिम बीच में आ ही जाता है आपके किसी ना किसी फैसले में। देखिए श्रीन जी, मैंने ओपनिंग में ही बोला कि हमने, योगी सरकार ने एक आदेश निकाला, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना किसने शुरू किया ये पूरा देश जानता है, एक एक पत्रकार जानता है। अभय जी उस पर विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। अभय जी कल कुछ और बोल रहे थे, मैंने सुना था इनकी बात कल की, आज कुछ और बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, इस मुद्दे से चुनाव प्रभावित हुआ कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं। चुनाव प्रभावित हुआ कि 2017 के बाद से मोदी सरकार या योगी सरकार ने काम कितना किया। अगर काम नहीं किया होता अभय जी तो 2019 में नहीं जीतते, 2022 में नहीं जीतते और 2024 में भी हमारी सीटें 33 हुई हैं, वोट प्रतिशत हमारा 42% ही है। दूसरी बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को चुनाव से जोड़ आप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ रही है। इस चुनाव, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को मुसलमान के चश्मे से आप देख रहे हैं, देश की जनता नहीं देख रही है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा देश की जनता इसका समर्थन कर रही है, जैसे कि तमाम टीवी चैनल्स में लोग बोल रहे हैं और उसका नतीजा कहीं ना कहीं उन नतीजों में दिखा जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने। गवर्नेंस कहां नहीं है? नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे में हम भी अपना विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, गुड गवर्नेंस कहीं से कोई फैक्टर नहीं था। एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और इसी के कारण हमारे कुछ वोट घस गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा कि सारे चैनल विश्लेषण कर चुके हैं। अब हम देख चुके हैं कि कितना संविधान है, कितना आरक्षण खत्म हो रहा है, अब कौन क्या कर रहा है। मेरठ की घटना हम देख चुके हैं, जब जाटव समुदाय को मुसलमान मारते हैं खुलेआम उनके शादी के जुलूस में, हम देख चुके हैं। और गुड गवर्नेंस ये होता है कि 12 घंटे के अंदर उन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और कोई दंगा नहीं होने दिया जाता है, ये होता है गुड गवर्नेंस। जो लेकिन ये नहीं आता क्या कि ये मैसेज ना जाए कि भेदभाव पैदा करने वाला कोई फैसला लिया जा रहा है, ये उसके अंडर में नहीं आता है ये मैसेज श्रीन जी, ये मैसेज जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के पीछे ये मैसेज फैलाने की कोशिश की गई कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत था। मैं तो आज बोधगया का उदाहरण दे रहा हूँ ना, बिहार सरकार ने तो कोई आदेश नहीं निकाला है। बोधगया में कैसे दुकानदार अपने नाम के आगे पटरी लगा के बैठ गए कि मोहम्मद शाहजाद, मोहम्मद आलम, अजय, विजय,
मुन्ना सब कोई अपना बात लगा के पटरी बैठ गए हैं, नेम प्लेट लगा के, कोई आदेश नहीं है बिहार सरकार से। लोगों की अगर आस्था में आप विश्वास जताते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोई भी लेने के लिए विल पावर चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वोट का नुकसान और नफा देख के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लिया जाता है। यही काम योगी सरकार ने 2017 से किया है और इसीलिए आज भी योगी सरकार की पॉपुलैरिटी और मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। ठीक है, अभय जी, बात सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, अभय दुबे जी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बस एक बात खत्म करके खत्म करूंगा। कल और परसों तीनों के प्रवक्ता लगातार और नेता बोल रहे थे कि जानबूझ के टारगेट किया गया क्योंकि मुजफ्फरनगर कांवर रूट पे 70% मुसलमानों का दुकान है, इसीलिए जानबूझ के उस रूट को टारगेट किया गया। ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? फिर आते हूं 70% क्यों है, कभी इस पे भी बात कर लीजिए। अभय जी, मैंने बोला ना, वर्चस्व की राजनीति नहीं चलेगी किसी हालत में, अब नहीं चलेगी। ठीक है अभय जी, चर्चा हुई थी कल संदीप चौधरी के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुत्व के बदले वोट प्राप्त करना ये रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का शिकार हो गया, उससे आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये 2024 की राजनीति के चुनाव परिणाम का संदेश है। आज भी मैं यहीं पे कह रहा हूँ, जब सुशासन की मैं बात करता हूँ, अभी देखिए भूपेन चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की खोजबीन हुई, खुद भाजपा के प्रादेशिक अध्यक्ष ने पत्रकारों को क्या बताया, पत्रकारों को उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार आरक्षण ठीक से नहीं दे रही थी, पत्रकारों को साफ तौर पर बताया कि बिजली ठीक से नहीं दी जा रही थी लोगों को। क्या ये सुशासन का मुद्दे नहीं है? क्या ये गुड गवर्नेंस के मुद्दे? क्या आरक्षण देना गुड गवर्नेंस में नहीं आता है? संविधान सम्मत बात है क्या? लोगों को ठीक से नियमित रूप से बिजली देना गुड गवर्नेंस में नहीं आता है? ये चाहत मैंने नहीं कही है, ये उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री भूपेन चौधरी ने पत्रकारों को जो ब्रीफिंग दी है उसमें ये बातें कही गई है। तो इस तरह के इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर मॉडल बनाया जा रहा था, गुड गवर्नेंस नहीं दी जा रही थी। पब्लिक गुड गवर्नेंस के बदले वोट देती है, बुलडोजर के बदले नहीं वोट देती पब्लिक, हिंदू बनाम मुसलमान करने के बदले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।